अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आजकल हज और उमरा का सीज़न तकरीबन ऑफ हुआ हुआ है, उमरा स्टार्ट होने वाला है, बट अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बट आजकल मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम में इन्फॉर्मेशन मिल सके और टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो रही है, उसमें क्या अपडेट्स आ रही हैं, आप किस तरह से घर में सिस्टम लगवा सकते हैं, उसकी तमाम डिटेल आप लोगों को पहुँच सके, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग पैसे भी इन्वेस्ट कर देते हैं और फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। तो इन तमाम नुकसान से बचाने के लिए ये मैंने सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं हज और उमरा से रिलेटेड और सोलर सिस्टम से रिलेटेड, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आज के दौर में अगर कोई अपने घर में एक एसी चलाना चाहता है डेढ़ टन का और उसके साथ बाकी अपने छोटे मोटे अप्लाइंसेज चलाना चाहता है, तो उस पर कितना एक्सपेंसेस आएगा और आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमारा एक डेढ़ टन का जो डीसी इन्वर्टर एसी है वो कितनी कैपेसिटी पे स्टार्ट होता है जब वो चलता है। तो जिन लोगों ने एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है या वो वाट्स मीटर लगाया हुआ है तो उनको तो पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो मैं आपको बता दूँ कि डीसी इन्वर्टर एसी की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, वो तकरीबन 7 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक स्टार्ट में इनिशियली 40 से 45 मिनट इसी स्पीड पर चलता है। अगर हम इसको वाट्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन जनाब 1700-1800 से लेकर 2000 वाट के दरमियान ये कैपेसिटी बनती है एसी की। तो अब आप ये तो अपने माइंड में रख लें कि आपको इनिशियली 2000 वाट तो सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए चाहिए। इसके साथ साथ आपके घर में 3 से 4 पंखे भी होंगे, आप एक फ्रिज भी चलाना चाहते होंगे, हो सकता है आप एक इस्त्री भी चलाना चाहते हों, टाइम टू टाइम वॉशिंग मशीन भी चलाना चाहते हों, कोई एलईडी टीवी भी चलाना चाहते हों, कुछ लाइट्स भी चलाना चाहते हों, तो इसके लिए आपको कम से कम भी 3500 वाट्स की पैनल्स लगानी पड़ेंगी। आज के इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है पाकिस्तान में, तो जुलाई के महीने में पाकिस्तान में जो रेट है सोलर पैनल्स का वो जनाब लोंगी का ए ग्रेड टीयर वन जो पैनल है वो तकरीबन 87 रुपीज़ पर वाट से 90 रुपीज़ पर वाट के करीब उसकी कॉस्ट पड़ रही है, और ये अगर हम उसको एक पूरे पैनल को कन्वर्ट करें तो तकरीबन 50,000 रुपये का एक पैनल पड़ेगा। तो आपको कम से कम भी 7 पैनल अपने पास ज़रूर लगाने हैं। 7 पैनल की अगर हम प्राइस लगा लें तो ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए के करीब बनती है। इसके साथ आपको एक सोलर इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा, तो आपने 3000 वाट वाला सोलर इन्वर्टर नहीं लेना, आपने कम से कम भी 4500 वाट वाला सोलर इन्वर्टर लेना है जिसकी मैक्सिमम आउटपुट 4500 वाट हो। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, पैनल्स तो मैंने लोंगी के आपको रेकमेंड की हैं, अगर आपने इन्वर्टर अगर आप मुझसे पूछें तो 2-3 कंपनियां हैं जो इस रेंज में आती हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें फ्रोनस का पीवी 5200 है जो मेरी नज़र में शायद इतना अच्छा मॉडल नहीं है, 7200 भी है मेरे ख्याल में वो भी इतना अच्छा फ्रोनस का नहीं है, बट अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्राइस कम है, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं है मेरी नज़र में। इसके साथ जो इससे थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी है, जो थोड़ी सी सुपीरियर क्वालिटी है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ज्यूनिक का जो मार्स सीरीज़ का जो मॉडल है वो 4500 की आउटपुट आपको दे सकता है, और उसमें मैक्सिमम आप 6500 वाट के पैनल्स लगा सकते हैं, यानी कि तकरीबन आप 11 पैनल्स उसके साथ लगा सकते हैं। तो आप अगर ज्यूनिक का मुझसे पूछें मार्स का जो मॉडल है तो वो आपको तकरीबन उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, वो कभी 1,40,000 के राउंड अबाउट होता है तो कभी 1,53,000 तक भी पहुंच जाता है, तो वो आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन 1.5 लाख। तो ये प्राइस 3.5 लाख के पैनल्स हो गए, 1.5 लाख का इन्वर्टर हो गया, ये 5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। इसके साथ आपको तकरीबन 4 के करीब स्टैंड लगाने पड़ेंगे, जो कि इस वक्त 5,500 रुपये का एक स्टैंड मिल रहा है, तो उसकी आप प्राइस लगा लें कि वो तकरीबन 20,000 से 25,000 रुपये के वो स्टैंड होंगे। 2 अदद बैटरीज़ आपको लगानी पड़ेंगी, इस वक्त तकरीबन 55,000 से 57,000 रुपये तक की टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, तो वो तकरीबन 1,10,000 रुपये इसकी प्राइस पड़ जाती है, और उसके बाद वायरिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस, सर्किट ब्रेकर्स, इन तमाम चीज़ों को अगर हम लगा लें तो ये तकरीबन प्राइस आपकी 6.5 लाख से 7 लाख रुपए तक पड़ेगी, जिसमें आप एक एसी भी चला लेंगे और आप इस्त्री भी चला सकते हैं उस पर, फ्रिज भी चला सकते हैं, लोड को बट आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कभी फ्रिज बंद करके इस्त्री कर ली, कभी एसी बंद करके इस्त्री और फ्रिज चला लिया, तो ये इस तरह से आपको ये तमाम सिस्टम आपको चलाना पड़ेगा। तो ये आपको तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपये का पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा सिस्टम होगा, इसमें आपका बहुत हद तक बिजली का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, और ये जो मार्स मॉडल है इसमें डुअल आउटपुट भी है, और इसमें
डायरेक्ट आप डीसी वायर भी लगा सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर डीसी फैन लगे हुए हैं तो उनकी डायरेक्ट वायर भी इस मॉडल में लग जाती है, तो उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी कोशिश करूँगा ज़रूर आपको जवाब दूँ। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।